सिलीगुड़ी के कबाड़ गोदाम के अंदर से 7 फुट लंबा अजगर बरामद, मचा हड़कंप। सिलीगुड़ी नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के डंपिंग ग्राउंड से लगना कबाड़ गोदाम के अंदर से 7 फुट लंबा अजगर बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिली है कि आज शाम कबाड़ गोदाम के अंदर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, तभी मजदूरों ने उक्त अजगर को देखा। इसके बाद इसकी जानकारी सालूगाड़ा वन विभाग और सांप रेस्क्यू करने वाले को दी गई। खबर मिलते ही सांप रेस्क्यू करने वाले रविदास मौके पर पहुंचे और अजगर को बरामद कर सालूगाड़ा वन विभाग को सौंप दिया। बाद में अजगर को सालूगाड़ा रेंज के जंगलों में छोड़ दिया गया। सांप रेस्क्यू करने वाले रविदास ने बताया कि सालूगाड़ा रेंज इखनका स्थानीय तारा जाए सालूगाड़ा रेंज तक हमारा नंबर दे तो रेंज थे देवर पर हमें आसि आस देखी जेखने एक पाइथन छो बार्मिस पाइथन बांगला नाम अजगर नन हनमस तो अजगर टे रेस्क्यू करी ये प्लस्टिकर भरे और कि प्लस्टिक गोडाउन सालूगाड़ा प्लस्टिक गोडाउन गोडाउन भरे और ड्राम्पिंग ग्राउंडर पास मिनिमाम 7 फुटर काछाची है ये अजगर ना देखो रेस्क्यू तो एक रिक्स थे जाए सब स्नेकर क्षेत्र ही एबार सब सापर क्षेत्र रेस्क्यू मैं ठीक जाए रिक्सा ठीक जाए अजगर बोलते है ना उसको। हाँ। अजगर ही वो लेबर लोग काम कर रहा था कबाड़ी का ये है तो अचानक से उन लोग हल्ला करने लगा कुछ है बोलकर ये कचरा पट्टी मोड़ कर ठीक सामने में कबाड़ी वाला दुकान है वहीं पे तो बाद में यहाँ से फॉरेस्ट ऑफिस भेजा गया आदमी को तो वहाँ से एक रवि भाई बोल के है कोई रवि रॉय जो सांप वगैरह पकड़ते हैं वो बंदा आए आकर के पकड़े भाई 7-8 फीट का एक अजगर वो सांप बैठा हुआ था वो आए पकड़े हैं तो थोड़ा जो होता है वो किया थोड़ा परेशान किया फिर वो आराम से कंट्रोल करके पकड़ के ले गया।